तो अहमद यहाँ पे पेंट कर रहा है और मेरे सारे जो तोते हैं इनको जो है कबूतरों ने मार मार के इनका पेंट खा गया, इनकी गर्दन तोड़ दी। तो अब अहमद जो है इनकी रिपेयरिंग कर रहा है, आज मेरी हेल्प कर आ रहा है। और जोहेब जो है पॉन्ड खाली कर रहा है, फिर पॉन्ड भी पेंट होगा जी। हाँ, आपको मैं छोटा ब्रश देती हूँ, आप कर लें हेल्प। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा करके हम रिपेयरिंग कर रहे हैं यहाँ की। ये एक पैरेट है, इसको भी अभी पेंट होना है। क्या कर रही तोते के साथ? पैरेट शूट। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। इसको सबको दिखाओ। हाँ, ये पेंट तो नहीं किया है ना अभी? नहीं। हाँ, दिखाओ सबको, दिखा दो ना गोलू। अनाया को भी पेंट करनी है और जोहेब तुम ये मछलियाँ निकालो सारी और सब एक ही जगह निकालना। इसमें पानी तो ज्यादा लो यार, ये फिर इसमें छलांग मारो। पानी और डालो, गिरनी नहीं चाहिए यहाँ, पता चला कि बड़ा मसला हो जाएगा फिर। तो अनाया कर रही है अब यहाँ पे बैठ के पेंट्स। ये लो अनाया। तो यहाँ राइस जो है वो रेडी हो गए और मैं ज़रा टेरिस में गई थी तो ऑलमोस्ट ये रेडी हो गए, शुक्र है बचत हो गई। और यहाँ पे जो है मैंने मसूर की दाल बनाई है, दाल चावल और आलू की भुजिया। बस सोच रही हूँ बना लूँ क्योंकि काम काफ़ी करने हैं आज मुझे। आज फिर नज़ीरा जो है वो नहीं आई है और वो आई थिंक गांव चली गई है। क्या है, अब तक 3 बज रहे हैं और मुझे अब दोबारा से किचन को पूरा साफ़ करना है। तो ये बर्तन पड़े हैं और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पहले किचन करूँगी, साथ साथ खाना भी रेडी कर लूँगी ताकि किचन के साथ साथ खाना भी जो है वो रेडी हो जाए। और ये जो है सारे बच्चे घूम रहे हैं, इनको सुबह मैंने खाना दिया था लेकिन इनके लिए अब दूसरा एक इंतज़ाम मैं करने वाली हूँ, बड़ा अच्छा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आज सुबह ही सुबह मुझे शादी का कार्ड आया जो है हमारे मेरा एक ब्रांड होता था विद्यान शाहिद अफरीदी के साथ ना, तो वो कोई 10-12 साल पुरानी बात है। तो जो हमारे मास्टर थे वहाँ के उनकी बेटी की शादी है, तो मास्टर साहब जो है उन्होंने इनवाइट किया है। देखें कल है शायद 20 तारीख को है उनकी बेटी की शादी, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जा सकूं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर आज सुबह ही सुबह मेरी जो नेबर है उससे भी मेरी बात हुई, तकरीबन 9-10 साल बाद बात हुई, तो बड़ा अच्छा लगा उससे भी बात करके। तो आजकल मैं घर पर हूँ तो सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर बाकी कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनकी तबीयत का भी पूछना ज़रूरी था, तो बस ऐसी गुजर गया है। अभी कोई 3 बज रहे हैं और मुझे करना है बहुत सारा काम और किचन जो है वो ऐसे फैला हुआ है, तो बस अब मैं काम करती हूँ, फिर मिलते हैं। तो गुच्ची को यहाँ नींद आई हुई है, गुस्सा भी आया हुआ है क्योंकि उसको अंदर बुलाने को मैंने मना किया है, तो गुस्सा होके बैठा हुआ है। वरना ये जो है ना ज़रा सी नज़र बचती है और ये आ जाता है अंदर और आके सबसे पहले जो है ना वो सोफों के नीचे घुसता है, तो मुझे ये होता है कि ये कटना कर ले सोफे को। पूछी नाराज हो तुम? पूछी धूप निकली हुई है, देखिए कितनी धूप है, 3 बजे का टाइम है और बर्ड्स जो हैं घूम रहे हैं चारों तरफ। तो मैं बना रही हूँ दाल चावल और उसके साथ सोच रही हूँ कि आलू फ्राई कर लूँ क्योंकि अभी गर्मी है ना, दोपहर के अंदर कुछ हैवी नहीं खाया जाता, तो बस वो बनाते हैं। फिर आज बालकनी का कुछ काम करना है, उस दिन पेंट लेकर आई थी लेकिन ये कि पहले पॉन्ड को खाली करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, उसके सारे स्टोन्स को ड्राई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसको पेंट करके छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब मैं ऑयल पेंट लाई हूँ, स्प्रे पेंट जो है ना वो ज़्यादा टाइम पानी में रहता नहीं है तो वो फिर जो है ख़राब हो जाता है जगह जगह से, तो बर्ड्स की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है गंद होता है, वो मैसअप भी करते हैं चीज़ों को। लेकिन अब क्योंकि अब सीज़न स्टार्ट हो रहा है फ्लावर्स का, तो ये है कि बैल्कनी विंटर में मेरी जो है माशाल्लाह फ्लावर्स से भरी हुई होती है। तो जितने दिन भी मैं हूँ यहाँ पर तो मैं यही सोचती हूँ कि जब तक तो हूँ, जब तक तो जो है घर वैसे ही रहे जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, फिर जहाँ जाएंगे उस घर को भी अपने हिसाब से सजाएंगे। तो आज सुबह मेरी अपनी पड़ोसन से बात हुई, पड़ोसियों से तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह इतने पड़ोसी हैं कि हमारा जो है एक लंबा अरसा हमने साथ गुजारा है, 10-12-15 साल तो हमने साथ ही गुजारे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सबसे बातें करके। और अभी जैसे 20-20 साल बाद
25 साल पुराने जो पड़ोसी हैं, तो सबसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अपनापन लगता है उनसे बात करके, उनकी आवाज़ सुन के। तो क्योंकि हम लोगों ने ना कोई भी रिश्ता ऐसे किसी मतलब के लिए कभी भी नहीं रखा, हमेशा हम खलूस से मिले एक दूसरे से, एक दूसरे की हेल्प भी की और एक अच्छे बुरे वक्त में भी साथ रहे। तो असल तो यही होता है। बहरिया खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर वो लाइव नहीं है जिस तरह के आपको पता है मोहल्लों के अंदर होती है, या जैसे लोग मिलजुल के रहते हैं। मेरे ख़्याल में जितनी कंजस्टेड एरियाज़ होते हैं वहाँ जिन लोग ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं, बन नस्बत ऐसे एरियाज़ में यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा मिंगल अप नहीं होते। लेकिन वो जो हमारा दौर है वो बड़ा गोल्डन मोमेंट है, हमारे बच्चे भी छोटे छोटे थे तो बड़ा हम इंजॉय करते थे, और बड़ी अच्छी गैदरिंग थी आपस में, मोहल्ला ही इतना बड़ा था माशाल्लाह कि ज़रूरत ही नहीं थी किसी की। तो उस वक्त तो फैमिली भी बहुत बड़ी थी, अब तो फैमिली भी छोटी हो गई है, कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ लोग दुनिया में ही नहीं रहे, कुछ लोग कट ऑफ हो गए, तो बस ऐसे तो आपको पता है ये तो पूरी दुनिया में ही चलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पराठे बना रहा हूँ, क्योंकि पराठा अभी मम्मा अपने काम में बिजी हैं, तो उस वजह से ना क्या कहते हैं पराठे की ज़िम्मेदारी मुझे दी है, तो पराठे मैं बना रहा हूँ 2-3। तो अनाया भी खाएगी, बाकी सब खाएंगे जो खाना भी बनाया हमने ना। तो यहाँ पे मैंने पराठे बना दिए हैं 4 के 4 में, तो ये मैंने बिल्कुल कड़क बनाए हैं इस बार ताकि खाने का टेस्ट अलग आए इसका। यहाँ पे टमाटर की चटनी, चावल और दाल है ये, और साथ में पराठे बनाएंगे चटनी के साथ खाएंगे, और बाकी सलाद वगैरह बनाएंगे, सब खाने के लिए आ रहे हैं। तो खाना खैर मैंने लगाया वैसे, तो हम लेके आए हैं ऑयल पेंट, और ये मैंने इसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाला है इसको पतला करने के लिए एक साइड पे, और पॉन्ड को जो है हमने ड्राई कर लिया है। अब ज़रा पेंट बनाकर फिर ये के पेंट करना शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको उसका न्यू लुक थोड़ी देर के अंदर, थोड़ा सा ये हो जाए क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे पतला चाहिए ताकि ये जल्दी सूखे, क्योंकि ये सूखने में टाइम लेता है लेकिन होता ड्यूरेबल है। बस थोड़ा सा बिस्मिल्लाह, अब देखो इसका नया लुक जो है वो ज़बरदस्त होगा। ये वाला पेंट जो है पानी में रुक जाता है और ज़्यादा जो है जल्दी ख़राब नहीं होता, स्प्रे पेंट जो है वो फ़ौरन ख़राब हो जाता है, कुछ 1-1.5 हफ्ते बाद ही जो है ख़राब हो जाता है। यहाँ अंधेरा हो चुका है और इसको एक कोड लग चुका है, एक कोड और लगना है अभी, ज़रा से ये ड्राई हो जाए तो इसका वेट करना पड़ेगा, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता तो हम इस पर दूसरा कोड नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरा कोड जो है वो कट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आई एम सॉरी, मैं सुबह जो है सलाम करना भूल गई थी आप लोगों को, और बस जो है अब शाम के कोई इस वक्त मगरब हो गई है तो 7 तो बजी गए, और इसको अभी एक सिंगल कोड लग गया है और अभी सेकंड कोड लगना है। दाल फिशेस को इसके अंदर डाल दिया है एक्वेरियम में, फिशेस को अभी ये छोटे एक्वेरियम में डाल दिया है, जगह तो बहुत कम है लेकिन इसके अंदर जो है एटलीस्ट जो है फिल्टर लगा हुआ है, अभी जो है बस पानी डाल के इसको ऑन करती हूँ। तो बस मैं अब वेट कर रही हूँ चाय का, चाय जो है जुहेब बना रहा है, तो चाय पीऊँगी तो थोड़ा सा दिमाग सही होगा, क्योंकि आज उस मैंने कहा सब कुछ काम करके फिर ही मैं शावर लूँगी, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता है आप सुबह भी दोपहर में भी शावर और शाम में भी, और मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो गया, इतनी कोई गर्मी नहीं है, तो ये है कि अब मैं सारे काम निपटा लूँ उसके बाद ही जो है फिर शावर लूँगी। अनाया उसको जाने दो, अच्छा अभी पकड़ा है तो ये क्या करता है, बस बैठा रहेगा। आपसे थोड़ा डर रही है, यूट्यूब फैमिली से डर रही है, हेलो करो इसको, बोलो यूट्यूब फैमिली को।
हेलो, आपने किया YouTube फैमिली को हेलो? हेलो करो, अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली। वैसे भी गाइस तो मेरे गुची को लाइक एंड सब्सक्राइब करो कह रही है। गुची को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, क्या होगा फिर गुची को? गुची को हमारे पास यूट्यूबर बन जाएगा। गुची यूट्यूबर नहीं तो गेम जोन बन जाएगा, गेमिंग जोन बन जाएगा। ये गेम सीख रहा है ये आजकल। अच्छा भाई, इसको भी लाइक सब्सक्राइब करे कह रही है। फ्रेंड्स वेट कर रही है नीचे, सफा और मरवा। हानिया भी वेट कर रही और आया तो नमन भी। क्या कर रही हो? कुछ को रोक सकती हूं। कुछ ही कुछ ही बैठा हुआ है तुम्हारे साथ। बच्चा है तुम्हारा? हाँ बच्चा है। बच्चा सर भाई यहाँ पे देख सकते हैं, तो सामान हम लेने जा रहे हैं। सही है, सामान हमने वैसे ले ही लिया है आधा, क्योंकि सामान क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है ना। जोएब भी साथ में, तो मैं और जोएब सामान लेने आए हैं, और भारी भी साथ साथ है क्योंकि इसमें सब्जी भी है और फ्रूट भी है। तो उसके बाद बस देखते हैं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। जोएब उठाओ भाई इसको, बहुत भारी है ये सामान। यहाँ पे उठा लिया और सामान काफ़ी अच्छा खासा ले लिया हमने, भारी भी साथ साथ है। पाँच की आएगी ना? कितनी आएगी? पाँच की आएगी ना? एक लगा लो, मैं बाकी रख लूँगा। देख लो, तो मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल अभी रोटी लेने, क्योंकि जोएब करवा रहे बिलिंग, तो बस मैं जाता हूँ रोटी लेने। यहाँ पे लाल रोटियाँ बन रही हैं और यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे सब ले ही लिया है, बस आखिरी जो चीज़ है ना वो है हार्डवेयर से यहाँ से लेने की थी। अब यहाँ पे हार्डवेयर में क्या काम है, क्योंकि हमें चाहिए बल्ब। मम्मा ने बोला बता, वो चीज़ हमें नहीं मिली क्योंकि इनके पास था ही नहीं। तो बेसिकली वो था पिन वाला बल्ब ना, तो वो आजकल आ नहीं रहा। तो खैर अब जा रहे हैं वापस घर, तो क्योंकि मम्मा भी वेट कर रही हैं और बाकी सब भी वेट कर रहे हैं। वाकई यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा नाइट का व्यू है यहाँ पे गैलरी का, और यहाँ पे सारी शॉप्स अभी खुली हुई, कुछ बंद है कुछ। बन गई है वैसे ऑलमोस्ट। रंग करना चेहरा डरना। बन गया है ये भी, गड्ढे का रंग भी डल गया है, चीनी भी डल गई है। और ये क्या डाल दी? केवड़ा। केवड़ा सही है। तो बन गया है वैसे भाई हलवा, मैंने रेडी कर लिया है, और अभी बस इसको जो है तैयार करते हैं, फिर इसकी शक्ल आपको दिखाते हैं। अभी तो बहुत गर्म है ये, लेकिन इसको मैं अच्छे तरीके से अभी सेट कर दूँगी। सुबह जो है मैं कोशिश करूंगी कि आलू के साथ पूरियां बना लूं। आलू तो मैं आलू मिले थे आज, आलू नहीं मिले थे ना? आलू नहीं मिले थे। ओ, 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 आलू नहीं मिले, अब क्या होगा? आलू के बगैर तो जिंदगी पूरी नहीं। अब इसके ऊपर ही कोबरा। अब इसके ऊपर नहीं, मैं डाल रही हूँ कोबरा पहले। और खाने में हमने बनाए कोफ्ते। कोफ्ते हैं लेकिन आलू नहीं है, क्योंकि आज आलू मिले ही नहीं। चलो कोफ्ते खा लो, आ जाओ जल्दी से। खा ली मेरी बेटी, चावल ले लिया। खाने में राइस दाल और कोफ्ते अभी मैंने बनाए हैं। हम खाना शुरू कर रहे हैं, भूख लगी हुई है सबको। चलो भाई प्लेट्स लगाओ। जी को देखें कैसे आराम से सो रहे हैं, गुची बिल्कुल रेस्ट कर रहा है। गुची भी रेस्ट कर रहा है, वो भी सो रहा है।
अपने गमले के अंदर और वो सो रहा है नीचे। आखिरी बार बुला रही हूँ खाने के लिए, खाना फौरन आओ वरना खाना नहीं दूंगी। ओ, उठो जल्दी से आओ अहमद। ये डालना है कौन मिर्ची वाली है? तुम्हें तो पसंद है ना, तुम्हें तो मिर्ची वाला खाना पसंद है ना? नहीं पसंद है बिल्कुल भी नहीं, बहुत मिर्ची लग रही है। आज मिर्ची लग रही है तुम्हें? स्वाद नहीं अच्छा है, जबान तेज हो जाती है। तो रात के बज रहे हैं 12 और थोड़े थोड़े कामों से फ्री हुई हूँ, थकान आज बहुत हो गई। तो दिन काफ़ी बिज़ी रहा क्योंकि मैं बिज़ी रहना पसंद करती हूँ, बंदा जो है वो प्रोडक्टिव रहता है और अच्छी चीज़ें में आप बिज़ी रहते हैं तो आपका दिन भी अच्छा गुजरता है और ये कि आप ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं चीज़ें। ताही बैड कमेंट्स का सिलसिला जारी है और समटाइम मैं उस चीज़ को नहीं देख पाती क्योंकि हर वक्त तो मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रही होती हूँ। जब मैं ऑफिस में होती हूँ तो तब भी मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रही होती हूँ अपना। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप मेरी एब्सेंस के अंदर कोई भी इस तरह का बैड कमेंट देखें तो उसको रिपोर्ट किया करें ताकि हो सकता है कि मैं समटाइम देर से देखूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पर इस तरह का कोई भी कमेंट या कोई भी ऐसा इंसान जो है उसके कोई निशानात मिले। क्योंकि यहाँ पे तो रोज़ अदालतें लग जाती हैं, मतलब पता नहीं कौन लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं, इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ इनके अंदर है या नहीं है। अच्छा ये ख़ुद ही डिसाइड करते हैं, ख़ुद ही अज्यूम करते हैं और उसके बाद जो है ख़ुद ही अपने ख्यालात का इजहार कर देते हैं। इनको किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और ये अपना कमेंट देना अपना शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनकी ज़िंदगी में यही होता है कि दूसरों पे कमेंट करें, दूसरों को जज करें। मेरे पास खैर इतना वक्त नहीं है कि मैं इन लोगों को दूँ। यकीन करें मैं तो वो हूँ कि मैं कभी भी घर में आके रोई नहीं हूँ, मैंने अपना इंसाफ खुद ही किया है, हमेशा धो दिया है सबको जहाँ पे भी गई हूँ ज़िंदगी में। और उसके बाद इवन मेरे क्लास में भी जो क्लास के बॉयज़ होते थे उनसे जब मेरा झगड़ा होता था तो उन सबको भी मैं धोती थी। लेकिन अब मसला ये है कि अब सारी ज़िंदगी बंदा थोड़ी धोता रहेगा लोगों को, और भी काम है ज़िंदगी में, तो कोशिश ये करें कि बंदा अवॉइड करे ऐसे लोगों को। तो इतना फालतू वक्त तो मेरे पास तो एटलीस्ट नहीं है कि मैं लोगों को दूँ। तो बहरहाल ये कभी भी नहीं सुधरेंगे और ये करते रहेंगे जब तक आप लोग इनको देखना बंद नहीं करेंगे। इनकी असल चीज़, इनकी स्ट्रेंथ को आप लोग बढ़ाते हैं इनको डिस्कस करके, इनको डिस्कस करना बंद कर दें इनकी स्ट्रेंथ खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो चलें जी ये व्लॉग यहीं ऐड करते हैं, और भी काम है ज़माने में यूट्यूब के अलावा। तो अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।